नमस्कार, मैं विवेक सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज। इस वक्त हम पहुंच गए थे भारामल मंदिर। पीछे ही भारामल का मंदिर है जो खुद की मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है जो यहाँ पर प्राचीन काल पर जो बाबा रहते थे भारामल, उनकी ही समाधि है और उसी में चादर और गुड़। और मेरे पीछे मंदिर देख सकते हैं, मंदिर पर जितनी भीड़ देख सकते हैं, दिन पे दिन ये भीड़ का आंकड़ा है जो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है यहाँ पर जो भी मन्नतें मांगते हैं वो पूर्ण तरीके से पूर्ण हो जाती है। और आज लास्ट दिन है, जिस तरह से 4 दिन तक यहाँ पर मेला चलता है और मेले का लास्ट दिन आज के दिन ही यहाँ पर भंडारा हो रहा है। और मेरे पीछे देख सकते हैं जो मंदिर पर है, जो आज के दिन पूरा सजाया जाता है, पूरी भीड़ आप नोट कर सकते हैं। और साइड में ही मैं दिखाना चाहूँगा कुछ यहाँ पर पुरानी चीज़ें भी हैं जो प्राचीन काल से थी। यहाँ पर जो कुआं देख सकते हैं वो बहुत पुराना है, प्राचीन काल का, जहाँ पर व्यवस्था देख सकते हैं पहले कैसी होगी। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार नज़दीक जाकर कुएं का चीज़ दिखाएं जो काफ़ी गहरा है। मेरे साथ यहाँ के मुख्य महत्व जिन्हें भारामल के नाम से जाना जाता है, वो बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ का हम उनसे थोड़ा इतिहास जानना चाह रहे हैं और हम आपको पूरे मंदिर का आज इतिहास बताएंगे। जी बाबा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। बाबा जी, मैं आपसे थोड़ा इस मंदिर का इतिहास जानना चाह रहा था। जिस तरह से मैं यहाँ की भीड़ देख सकता हूँ, कुछ मंदिर का महत्व बताइए जिससे लोगों का अंदर जो रुचि है वो इस चीज़ की ज़्यादा बढ़े। देखिए, ये भारामल दरबार में भक्तों की मनोकामना पूरी होती है, आस्थाएँ सबकी पूरी होती है। यदि पूरी ना हो तो यह कोई नहीं आएगा। जो 15 किलोमीटर अंदर जंगल में है, किसी का कोई कार्य आस्था पूरी नहीं होगी तो वो कहाँ भक्त क्यों जाएगा। जी जी हाँ। और बाबा का ये है कि बाबा अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते रहते हैं जी। कोई मतलब हिंसक जीव ऐसे कोई वो नहीं करता है, किसी को अटैक वगैरह मिल जाएगा तो बच के निकल जाता है। अभी हमारे भगत जी सेवक आ रहे थे, ये इनको मिल गया था वहाँ। अभी हमको मिल गया था। सुनने में आया जैसे कि शाम होती है तो यहाँ पर जो शेर वगैरह है वो अपना मत्था टेकने आता। शेर आता था और आता है जी जी। पर शाम को नहीं, उसका कोई टाइम नहीं और कोई दिन भी निश्चित नहीं है। आता जरूर है, पहले तो ये सब मैदान था जी जी। तो इधर से आता था, मत्था टेका, अपना काम करा और इधर को निकल जाता था, खुला था। तो यहाँ पर इतने श्रद्धालु आते थे, उन्हें कोई नुकसान नहीं? ना ना, कभी नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई हानि नहीं जी, कोई ऐसी बात नहीं। और दर्शन जब होने को होते तभी दर्शन होते हैं जी जी। शेर के बकाया शेर जल्दी नहीं मिलता है जी। लोग के भाड़ा खर्च करके आते हैं, बहुत पैसे खर्च करके घूमते रहते दिन भर गाड़ी से, लेकिन उन्हें शेर नहीं प्राप्त होता देखने को। अब बाबा की कृपा होती उसी को शेर के दर्शन कराते, अब कब कराएंगे ये पता नहीं जी। ठीक है हाँ। और बाबा का ये है, यदि कोई गाड़ी कहीं फंस जाए तो बाबा का नाम लेने से गाड़ी निकल जाती है। जंगल में हमारे कोई प्राणी भटक जाए और बाबा का नाम लेगा और जहाँ को जाने को इच्छा होगी वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। जिस तरह से मैंने आपको मंदिर की कुछ चीज़ें बताई हैं, उस तरह ही यहाँ की जो मान्यताएं हैं वो पूर्ण रूप से सभी की पूर्ण हो जाती हैं और जो भी अपनी मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण रूप से सभी की पूर्ण हो जाती हैं। ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे और देखते रहिए आर न्यूज़।